हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर में दिया गया, इन द गिवन फिगर टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्ट बाय टू पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। इट मींस यहाँ पे एल और एम ये दोनों पैरेलल लाइन है और दूसरा पी एंड क्यू भी पैरेलल लाइन है। हमें ये शो करना है कि एबीसी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा सीडीए का। तो कौन सा एबीसी है? एबीसी इट मींस दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू सीडीए दिस वन। ओके, तो देखिए यहां पर कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन 5 आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें से आप इस क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, दो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से प्रूफ हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग बहुत सिंपल तरीका देखेंगे और उसके बाद दूसरा तरीका मैं आपको बतलाऊंगा जरूर, ठीक है। देखिए, तो अगर हम मान लें P एंड Q, या फिर यहां पे आप ये मान के चलिए L एंड M, L पैरेलल टू M, यहां पर सॉल्यूशन है, ठीक है, L पैरेलल टू M एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC को हम क्या मान ले रहे हैं? ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा कंडीशन हमारे पास है तो एंगल जो है, एंगल जो है DAC जो है वो किसके इक्वल होगा? तो एंगल BCA के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। जैसे अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और AC अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा जो हमारे पास है वो P पैरेलल टू Q एंड अब की बार फिर से हम वही चीज मानेंगे, एसी इज ट्रांसवर्सल ही लेंगे, एसी इज ट्रांसवर्सल। अब देखिए, तो अगर एसी अब की बार ट्रांसवर्सल है लेकिन ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम ये यहां पे डबल कर्व से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा आ जाएगा वो डीएसी हम लोग लिखे थे, मीन्स ये वाले ट्राइंगल में पहले लिखे थे, तो उसी ट्राइंगल का पहला हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एंगल ए सी डी लिखेंगे, ठीक है। ए सी डी जो है वो किसके इक्वल होगा? तो सी ए बी के इक्वल होगा, और ये भी कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो हम आप देख रहे हैं कि ए सी जो है वो दोनों में है, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन इन बोथ ट्राइंगल। तो देखिए, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना, ये एंगल हो गया, ठीक है, ये साइड हो गया और ये एंगल हो गया। इस साइड से आप देखें तो ये एंगल साइड एंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय यूजिंग विच क्राइटेरिया? तो यहां पे एंगल साइड एंगल कंडीशन अप्लाई हुआ है, ठीक है। दूसरा आप देखिए, अगर दूसरा तरीका आपको यूज करने की इच्छा है तो देखिए, दो अगर पैरेलल लाइन, देखिए यहां पर कंडीशन हमारे पास दिया गया था टू पैरेलल लाइन एल एंड एम आर ट्रांसवर्स बाय टू पैरेलल लाइन, मतलब दो को दो ट्रांसवर्स कर रहा है, वो दोनों भी क्या है? पैरेलल लाइन है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन में हम लोग पढ़े लाइंस एंड एंगल चैप्टर वाले में, ठीक है। तो यहां से आप सिंपली कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल हो गया। दूसरा क्या आप कह सकते हैं? ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। और तीसरा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे होगा भाई? तो ये दोनों का सम 180, मान लेते हैं यहां एक्स ये है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, और ये दोनों का भी सम तो 180 होगा। अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये 180 कट जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो साइड एंगल साइड से भी ये कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है, ठीक है ना। और ये जो हम लोग फॉलो किए वो काफी सिंपल है, इसलिए हम लोग इसी को लेकर चले हैं। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। ओके, चलिए इसे इरेज करते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर में दिया गया, ए बी इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल एबीसी। तो आइसोसेलस ट्राइंगल कहने का उद्देश्य है कि दो साइड इसका इक्वल होगा, इन विच, और यहां पर ये कंडीशंस भी दिया गया है कि ए बी जो है वो एसी के इक्वल है। इट मीन्स ए बी हमारा ये हो गया और एसी ये हो गया, ठीक है। सो दैट ए डी बाइसेक्ट बीसी, हमें ये शो करना है कि ए डी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। बीसी को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जो बी डी है वो सी डी के इक्वल होगा,
और दूसरा हमें प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट एंगल A, तो ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, ये भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए यहां पर अल्टीट्यूड लिखा है, तो अल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सामने वाले वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये सामने वाले वर्टेक्स से ये जो लाइन ड्रॉ किया गया ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, अल्टीट्यूड इसी को कहते हैं। तो यहां पर हमें ये चीज शो करना है, तो इसको शो करने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए तो ये इसके इक्वल सीपीसीटी से और ये इसके इक्वल सीपीसीटी से, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन कौन सा अप्लाई होगा, तो यहां पर दो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग RHS अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर दोनों हैं, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है ना, ये दोनों ट्राइंगल में आप क्या देख पा रहे हैं कि जो एंगल है ADB वो किसके इक्वल है, एंगल ADC के इक्वल है, और ये क्या है, गिवन है, ठीक है ना, ये दिया गया है। दूसरा आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये अगर ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो हाइपोटेनस है, ठीक है ना, एडीबी मतलब एबीडी ट्राइंगल का जो हमारा साइड एक हाइपोटेनस एबी जो है वो इसकी किसके इक्वल है, तो एसी के इक्वल है, और ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है ना। और तीसरा जो हमारे पास कंडीशन है वो हमारा है कि एडी दोनों में कॉमन है, एडी इज कॉमन इन बोथ, तो ये क्या है, कॉमन है। तो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल वाला जो कॉन्ग्रुएंसी होता है, RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, तो वो क्या होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है उसका हाइपोटेनस और इन दोनों में से कोई एक साइड दूसरे के अगर इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू सी डी सीपीसीटी से, और दूसरा हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको लिख देते हैं, ये जो पहला है तो ये तो इक्वल होगा, हेंस ए डी बाइसेक्ट बी सी, और दूसरा जो है हमारा एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी हो जाएगा, और ये भी सीपीसीटी से होगा, तो हमें यहां पे भी लिख सकते हैं हेंस ए डी जो है वो बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है ना। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखिए दूसरा जो कंडीशन आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये दोनों आइसोसेलस ट्राइंगल है, और सॉरी ये दोनों नहीं, एबीसी आइसोसेलस ट्राइंगल है जिसमें एबी एसी के इक्वल है। तो आप इससे पहले एक थ्योरम पढ़े हैं जिसमें देखे हैं आप कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल भी, उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है, इट मीन्स ये जो है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया और ये 90 डिग्री दिया गया है, ये कॉमन है, इट मीन्स एंगल साइड सिमिलैरिटी से हम लोग इसे सिमिलर कर सकते हैं। लेकिन RHS से अगर हो गया है तो हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहां पे लिख सकते हैं आप RHS कंडीशन, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।